तो मैं बात करना चाहूँगा एक राइटर की प्रॉब्लम्स के ऊपर आज. तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक. अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, राइटर्स ब्लॉक इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन इन विच अ राइटर लूजेज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू कंटेंट. सो ये हरकत मेरे साथ हो गई थी, बड़ी बुरी वाली हुई थी यार, सही बताऊँ तो 3-4 महीने तक बिल्कुल दिमाग घूम गया, सब खत्म, कुछ नहीं. उसके बाद एक दोस्त था तो उसने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं यार तू लिख, तू अच्छा लिखता है, इतने सालों से लिख रहा है, तू लिख. एंड उसका स्टाइल क्या था मेरे को मोटिवेट करने का, वो बार बार मेरे को क्या कहता, लिखना क्यों छोड़ दिया. तो उस पर मैंने ये कविता लिखी है, लिखना क्यों छोड़ दिया. लिखना क्यों छोड़ दिया, सवाल था एक, शायद मैं जानता था क्यों, पर डरता था उस हकीकत को बताने से कहीं कायनात मुझे कमजोर ना समझ ले. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद दिल रूठ गया था मेरा या अल्फाज मेरे मर चुके थे. शायद दिल रूठ गया था मेरा या अल्फाज मेरे मर चुके थे. शायद वो कमबख्त उन्हें अपने साथ ले गई थी और छोड़ गई थी मुझे इन नाकारा सांसों के साथ. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद दिल में मेरे मोहब्बत कम थी. शायद दिल में मेरे मोहब्बत कम थी या फिर इश्क की दरिया में पूरा डूब चुका था मैं. शायद उसके जाने के बाद धड़कनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था और दिल को मेरे पास छोड़ दिया था. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद अब उस खालीपन से दोस्ती हो गई थी. शायद अब उस खालीपन से दोस्ती हो गई थी या एक पुरानी आदत से दुश्मनी हो गई थी. शायद अब लफ्जों से मुझे घुटन होने लगी थी. शायद अब लफ्जों से मुझे घुटन होने लगी थी या फिर वो लफ्ज ही मेरा गला दबा रहे थे. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद अपने अश्कों की नदी में मैं सारी भावनाओं को बहा चुका था. शायद अपने अश्कों की नदी में मैं सारी भावनाओं को बहा चुका था. शायद अब टूट चुका था मैं या फिर सब कुछ लुटा चुका था. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद खाना बदोशों सी जिंदगी की जुस्तजू में मैंने. शायद खाना बदोशों सी जिंदगी की जुस्तजू में मैंने अपने प्यार को पीछे छोड़ दिया था. शायद उस शबनम सी बला को खोने के बाद, शायद उस शबनम सी बला को खोने के बाद अपने फितूर को मैंने फना कर दिया था. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद काफिले से अपने जुदा होने के बाद. शायद काफिले से अपने जुदा होने के बाद तेरी यादों के सहारे जीता था. शायद काफिले से अपने जुदा होने के बाद तेरी यादों के सहारे जीता था. शायद रंजिश थी मुझे खुद से. शायद रंजिश थी मुझे खुद से या फिर तेरे जाने का गम था. लिखना क्यों छोड़ दिया, शायद अब किताब और कलम से ज्यादा. शायद अब किताब और कलम से ज्यादा मुझे सिगरेट और शराब का नशा सुहाता था. शायद अब किताब और कलम से ज्यादा मुझे सिगरेट और शराब का नशा सुहाता था. शायद जिंदगी से मैंने दुश्मनी मोल ले ली थी. शायद जिंदगी से मैंने दुश्मनी मोल ले ली थी या फिर मौत से मुझे याराना निभाना था. या फिर मौत से मुझे याराना निभाना था. थैंक यू.